हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कजाकिस्तान। तो सबसे पहली बात, ये वीडियो दो पार्ट में आने वाली है। पहला पार्ट फूड एंड ग्रोसरी प्राइसेस इन कजाकिस्तान, और दूसरी वीडियो होगी जो एकोमोडेशन प्राइसेस इन कजाकिस्तान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले बात बता दूँ आपको कि 96% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अंदर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स का प्राइस देखते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ का करेंसी टेंगे है और जो हमारा करेंसी है वो INR है, तो हर एक प्रोडक्ट के प्राइस के नीचे INR में लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि आपका मंथली कैसा आएगा। और अंदर चलते हैं और फिर आपको बताता हूँ। ये शॉपिंग मॉल है, सुपर मार्केट यहाँ का। और सबसे पहले ये है रोटी बनाने वाला, विथ पिज़्ज़ा बनाने वाला। आप इसको रोटी बनाने में यूज कर सकते हो और पिज़्ज़ा बनाने में भी। तो यह है 1200 टेंगे, 200 रुपये के आसपास का है। और ये रहा आपका चॉपिंग बोर्ड, तो अब चॉपिंग बोर्ड 100 रुपये के आसपास का है। और यहाँ से नाइफ, जो सबसे पहले आए तो आप ये बेसिक इन्ग्रीडियंट्स आपको चाहिए होगा सर्वाइवल के लिए, तो ये सबसे पहले आपको ये सब लेना ही पड़ेगा। तो ये नाइफ है, नाइफ का प्राइस 100 रुपये के आसपास है। 100-200 डिफरेंट टाइप का डिफरेंट प्राइस है। एंड ये बाउल है अलग अलग, उधर पैन है। मैं तो रिकमेंड करूँगा पैन इंडिया से ही लेके आओ, बेटर क्वालिटी बेटर प्राइस। तो देखो यह 8000 टेंगे का है और 6000 टेंगे मतलब 1000 रुपये के आसपास, 1000-1200 आपको प्राइस नीचे लिख के आ रहा होगा। आप रिसेंट प्राइस वो देख सकते हो। ये स्पैचुला, डिफरेंट टाइप का स्पैचुला 100 रुपये से शुरू होता है, 200 टेंगे, बहुत ही सस्ता है ये। और ये 600 टेंगे मतलब 100 रुपये के आसपास, 100 रुपये से ज़्यादा ही है। और वो चिमटा है उधर पे, मतलब आपको जो भी जीने के लिए चाहिए होगा सब मिल जाएगा। ये एक पैकेट चम्मच जिसमें 6 चम्मच है, तो वो 1000 टेंगे का है, तो मतलब 200 रुपये के आसपास का है नाइफ। तो सबसे पहले अपन लोग चलते हैं खाने पीने के सामानों पे। तो ये बेकरी सेक्शन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड मिलता है। तो आप डेली ब्रेड लेने के लिए इधर तो आओगे नहीं सुपरमार्केट। आपके फ्लैट के नीचे और हॉस्टल के नीचे महाजिन नाम से एक शॉप मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हो। ये 200 टेंगे का एक पैकेट ब्रेड आता है, जो कि 35 से 35 रुपये के आसपास का आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड मिलता है यहाँ पे, आप प्रीफर कर सकते हो जो आपको पसंद आए। मल्टीग्रेन ब्रेड, मैदा वाला ब्रेड, सभी प्रकार का ब्रेड है इधर पर। और देख सकते हो 150 टेंगे सबसे सस्ता ब्रेड है। डिफरेंट टाइप का ब्रेड्स है यहाँ पे। और इधर बिस्किट टाइप कुछ है, इधर कुकीज़ है खाने को। इफ़ आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है तो आप वहाँ पे से केक ले सकते हो, 1500 टेंगे, 300 रुपये का केक है। डिफरेंट टाइप का केक है, 3000 टेंगे, 2100 टेंगे। ये केक बहुत ही अच्छा है, 1400 टेंगे का, ठीक है। ये बिस्किट एंड कुकीज़ का सेक्शन है, तो आप ये देख सकते हो। और ये अपना पार्ले जी टाइप बिस्किट है, यहाँ का लोकल पार्ले जी है। पार्ले जी जैसा समझ सकते हो, जैसे पार्ले जी सस्ता है वैसे ये भी सस्ता है, 300 टेंगे का। और ये 450-450 टेंगे, 450 टेंगे। और ये कुकीज़ है तो वो आपको 1500 टेंगे, देख लो 1500 टेंगे का है। डिफरेंट टाइप कुकीज़ है, तो आप यहाँ से ले सकते हो जो आपको जैसा पसंद आए। ये अलग अलग टाइप का एग्स है, ये पता नहीं ये छोटा वाला एग्स किसका है, जो कि महंगा है। और ये 667 टेंगे में 10 एग्स। तो ये ऐसे एग्स मिल रहा है। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार का चीज़, अस्मिताना और सब मिल रहा है यहाँ पे, तो आप ये प्रीफर कर सकते हो लेने को। और फिर यहाँ पे डेयरी सेक्शन है, यहाँ पे मियोनीज़,
तो म्यूनिज है 700-800 टेंगे का। यहाँ स्मिताना दही तो मिलता नहीं है, दही की जगह आप स्मिताना यूज़ कर सकते हो, फिर दूध मिलता है। तो मोलोको है 350 टेंगे के आसपास का। दूध कैफीर अपना ये जैसे मोलोको है 350 टेंगे का है, 800 मिलीग्राम। और उधर पे स्मिताना 450 टेंगे का रहता है। अलग प्रकार का दूध, फैट परसेंटेज के हिसाब से दूध है और उसके हिसाब से प्राइसेस हैं। और इधर पे कोल्ड ड्रिंक डिफरेंट टाइप का कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है और ले सकते हो आप। जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है ये अनार का जूस, ये 200 रुपए का आता है 1 लीटर ऐसा है कुछ। और उधर पे कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक बहुत ही सस्ता है, 400 टेंगे का मिरिंडा आ रहा है और पेप्सी, 7 अप, स्प्राइट सभी मिलता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप का डेयरी प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे। तो ये पनीर है और इधर पे चीज़ है। और तो ये 300 रुपए में 500 केजी और 100 रुपए में 300 ग्राम इस टाइप से प्राइसेस है। तो पनीर आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन गर्मी वही ठंडी है तो अभी ठंड में महंगा हो गया है, ऐसा सीन है इधर पे। और चीज़ मिल रहा है, इधर पे चीज़ भी है। इफ़ सुबह सुबह आप ग्रीन टी और ब्लैक टी पीते हो तो आपके लिए ग्रीन टी ब्लैक टी सब अवेलेबल है। तो आपको दिखाता हूँ कि ग्रीन टी, तो ये देखो ग्रीन टी 442 टेंगे का है और 100 रुपए से भी सस्ता है, 25 पैकेट का आता है, मतलब एक पैकेट में 25 पैकेट होता है तो 25 कप चाय बन सकता है आपका। और डिफरेंट टाइप का है। और ब्लैक टी भी आप देख सकते हो, अलग अलग है, सस्ता ही है, आप प्रीफर कर सकते हो। क्लासिक ब्लैक बीस्ट 700 टेंगे का है। डिफरेंट जो जिसको जैसा पसंद है वो ऐसा खरीद सकता है अपने बजट एंड चॉइस के अकॉर्डिंग। ये सॉस एंड मेयोनीज का सेक्शन है, तो ये 100 रुपए में 500 ग्राम सॉस मिलता है। और ये तेल का सेक्शन है, यहाँ सरसों तेल नहीं मिलता, यहाँ सनफ्लावर ऑयल मिलता है। और ये एक्स्ट्रा वर्जिन एंड वर्जिन ओलिव ऑयल एंड ओलिव ऑयल मिलता है, जो कि 500 रुपए 500 ml का है, जो कि लोग मोस्टली कुकिंग में यूज नहीं करते, जो फिटनेस फ्रीक हैं वही मोस्टली यूज करते हैं। तो हम लोग सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, जो कि 600 टेंगे 500 ml का आता है। तो ये 600-500, तो ये आ गया अराउंड आपके 100 रुपए के आसपास का। प्राइस नीचे लिख के आ रहा होगा। इफ़ आप बड़ा वाला पैकेट लिए 3 लीटर तो 2800 टेंगे का आएगा। तो ऐसा है, सब सॉर्टेड है, तो आपको खाने पीने का कोई तो दिक्कत वैसे होने वाला है नहीं कहीं पे। जिंजर गार्लिक सब मिलता है यहाँ पे। ये 400 टेंगे का है, 450 टेंगे के आसपास का है ये। इतना 300 ग्राम 200 ग्राम ऐसे है। रेड चिली और ये पेपर एंड धनिया पत्ता, टमाटर। देखो मोस्टली क्या होता है कि ठंड में टमाटर ये सब महंगा हो जाता है, जैसे ये 200 रुपए में 700 ग्राम है तो ये, और जैसे गर्मी आएगी गर्मी में ये सब सस्ता हो जाएगा। अभी ये 900 टेंगे मतलब 200 रुपए के आसपास का है ये ककड़ी। और इधर पे खीरा, ये 100 रुपए में 3 खीरा है, तो ये गर्मी में सस्ता हो जाएगा। वही 20 रुपए में 3 खीरा मिलेगा, अभी 100 रुपए में 3 खीरा मिल रहा है। और कीवी अभी सस्ता है, 100 रुपए में 1 पैकेट कीवी आता है। और ये इसको क्या बोलते हैं, पाइनएप्पल, हाँ, तो ये पाइनएप्पल 300 रुपए में 1 पाइनएप्पल आएगा 1 kg। और अंगूर, ब्लैक अंगूर, एवोकाडो है 200 रुपए किलो है। एंड ये लेमन है डिफरेंट टाइप। और ये अपना बंद गोभी का प्राइस है 130 टेंगे पर केजी। तो आप ये लोकल मार्केट से ले सकते हो, ये बेटर मिलेगा। और फिर यहाँ पे प्याज है 120 टेंगे पर केजी, तो यहाँ से आप
जो भी अच्छा प्याज है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे आलू मिल रहा है तो 127 टेंगे पर केजी आलू, तो यहाँ से आप अच्छा अच्छा आलू चूज़ करके ले सकते हो। फिर इधर पे सेब, सेब यूक्रेन में बहुत ही सस्ता हुआ करता था, यहाँ भी 819 टेंगे का ही ये सेब। अलग अलग प्रकार का सेब है, जो अब वो पैकेट वाला कोटिंग किया हुआ ये वाला सेब आपको हर 1105 टेंगे का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बनाना बहुत ही महंगा है, 1300 टेंगे में 1 केजी बनाना आता है। फिर उधर लेमन है, फिर उधर भी अलग अलग प्रकार का सेब है, ये अलग अलग सेब है, तो 700 टेंगे का ये सेब है। सेब सस्ता महंगा अलग अलग प्रकार का मिलेगा, ये जैसे ये गाजर है तो ये 188 टेंगे पर केजी के हिसाब से मिलता है, और ये डायरेक्ट खेत से निकाल के ला लेते हैं, ये लोग धोते भी नहीं हैं, तो आप यहाँ से उठा के ले जा सकते हो। और जैसे ये मशरूम है, मशरूम अभी 2600 टेंगे पर केजी के हिसाब से चल रहा है, ये हाफ प्राइस हो जाएगा जैसे ही गर्मी आएगी। और ये गार्लिक है, और ये गार्लिक 1651 टेंगे पर केजी है, तो ठीक है। और यही प्राइस ठंड में, सॉरी यही प्राइस गर्मी में सस्ता हो जाएगा। फिर ये बीट रूट बहुत ही सस्ता है, 188 टेंगे पर केजी के हिसाब से मिलता है, और ये अभी भी सस्ता और बाद में भी सस्ता ही रहता है। तो ऐसा है यहाँ पे। और अलग अलग प्रकार का यहाँ पे आलू गाजर फ्रूट सब मिलता है, जैसे मोस्टली ठंड में ये लोग महंगा कर देता है, इन्फ्लेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी हो ऐसा रहता है। तो और जैसे गर्मी आती है हाफ ऑफ द प्राइस, जैसे ये टमाटर है तो हाफ ऑफ प्राइस हो जाएगा। तो ये आटा है इधर पे, इसमें मैदा मिक्स रहता है, लेकिन आप फुल्ली जैसा इंडिया में आटा मिलता है वैसा आटा आपको इफ़ लेना है तो आपको यहाँ पे लोकल मार्केट में मिल जाएगा। ये 700 रुपये, 1300 रुपये में 25 किलो, 700 रुपये में 10 किलो मिलेगा, आपका 1 महीना से 2 महीना आराम से चल जाएगा, 3 से 4 लोग खा रहे हो 2 टाइम। तो ऐसा है, आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो आपका कितना खर्च पड़ेगा। और ये ऐसा है, आपको चावल दिखाता हूँ चावल के। ये चावल है जो कि इंडिया से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता, बासमती अपन लोग का जो होता है वैसा नहीं है, 150 रुपये किलो है, जो कि आप लोग यहाँ तो यूज़ करोगे नहीं। और इससे बेस्ट चावल 100 रुपये किलो अफगान से आता है और इंडिया से आता है लोकल मार्केट में, वो आप ले सकते हो। इधर पे ये दाल है, तो अभी आपको जाके दिखाता हूँ कौन कौन सा दाल मिलता है और क्या प्राइस है इस दाल का। टाइप ऑफ दाल भी यहाँ पे मिल रहा है, जो कि 250 टेंगे में चना दाल 1 केजी, और मसूर दाल, मूंग दाल 719 टेंगे का, और फिर राजमा भी मिल रहा है यहाँ जो कि 532 टेंगे का है 1 केजी, मतलब 100 रुपये के आसपास है। फिर मूंग दाल, फिर राजमा, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ चावल, और ये शायद सरसों है अलग अलग टाइप का, और ये ओट्स है, ठीक है। और इफ़ आपको लोकल नहीं ब्रांडेड लेना है तो इधर पे ब्रांडेड भी ओट्स ओट्स है, सीरियल्स है, और सुबह में खाने के लिए जो जो भी आप नाश्ता, इफ़ आप देसी नहीं हो, आप साउथ दिल्ली के हो तो आप ये सब नाश्ता प्रीफर कर सकते हो, नहीं तो हम लोग की तरह आप देसी खाना खा सकते हो। इधर पे फिर मूंग दाल, यही अभी मूंग दाल वहाँ पे 100 रुपये का मिल रहा था, ये 200 रुपये का, बस इतना सा। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफ़ी मिल रहा है यहाँ पे, जो देखो ये इंडिया में कॉफ़ी मिलता है वैसे तो सब मिलता है, ये 1700-1800 टेंगे का है, और आपको नीचे INR में मिल रहा होगा, ये छोटा पैकेट है। और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफ़ी, जैकॉब्स, नेस्कैफे, इधर पे दूध मिल रहा है, और इधर पे भी अलग अलग टाइप का कॉफ़ी है, तो आपको कॉफ़ी के लिए भी दिक्कत नहीं होगा। इफ़ आप ग्रीन टी और रेड टी वाले हो तो आपको ग्रीन टी और रेड टी भी मिल जाएगा, ग्रीन टी 25 पैकेट 100 रुपये में मिल जाएगा। और इंडिया में जो एक ब्रांड आता है, नाम बोल रहा हूँ मैं, टाटा का है, सेम वही क्वालिटी रहता है। और मोस्टली टी और ये सब चाय, कॉफ़ी, ये सब इंडिया से ही एक्सपोर्ट होकर आता है डिफरेंट नेम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Let me take you back to a time when love was as precious as diamond.